दी, गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में हेल्दी होंगे, खुश होंगे, फिट होंगे। और मैं नहा चुकी हूँ, सॉरी मैं सुबह थोड़ा सा मेरा रात को है क्योंकि मेरा वर्क ही ऐसा है, सारा ऑनलाइन है तो मैं चार्ज करना भूल गई और मॉर्निंग में तो बिल्कुल बैटरी डाउन। तो मैंने बिना वॉक ही उसके फ़ोन के ही की है और मेरी जो सुबह वीडियो शूट नहीं हो पाई थी तो मेरा अब नहाने वगैरह के बाद मेरी टी मैं ले रही हूँ, टी भी बोल सकते हो, डिटॉक्स भी बोल सकते हो। और मैंने अपना डिटॉक्स वाटर भी रेडी किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो क्योंकि मैंने लेट नाइट उसे बना के प्रिपेयर करके रखा था, तो आप लोग भी अपने जो विंटर के जो डिटॉक्स वाटर होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें रात को ही बना के रख सकते हो। और आपने ये जो टी होती है या आपके डिटॉक्स वाटर होते हैं उन्हें भी गर्म करके ही पीना है। और एक बहुत जरूरी बात फ्रेंड्स, 40 दिन में ये मत सोचिए कि हम बहुत ज़्यादा भूखे रहेंगे या बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट डाइट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम थोड़ी सी अपनी कैलोरीज को कम करेंगे और कैलोरीज को बर्न ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जब हम खाते कम हैं और बर्न ज़्यादा करते हैं तो हमारी बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होती है तो फ्रेंड्स वो हमारी जमा फैट, जो हमारे वो फैट होता है हमारे अंदर, जो फैट जमा होता है, इंचेस जमा होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, पहले मेरा इतना ज़्यादा था, ये टी शर्ट्स की मैं आप लोगों को पिक दिखाऊंगी, मेरे फंसती थी, ये देखो बिल्कुल, मतलब वर्क करते हैं तो होता है, रिजल्ट्स मिलते हैं। अब तो मुझे बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कमेंट मिलने शुरू हो गए, आप देख सकते हो कि बिल्कुल मैं अपने आप को स्लिम कर चुकी हूँ। तो ये होता है फ्रेंड्स, इस चीज़ में कुछ नहीं होता। अब सहनाज किल को देखो, वो कितनी चबी लगती थी, पर मुझे पहले बहुत क्यूट लगती थी, होता है, लेकिन उसने अपने आप को फिट कर लिया। फिट करते ही उसने अपनी लाइफ बिल्कुल चेंज कर ली, अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज कर ली। पहले उसके ऊपर कपड़े अच्छे लगते थे नो डाउट, लेकिन जब से उसने अपना वेट कम किया है, उसके उसकी पर्सनैलिटी, उसका काम, उसकी मतलब उसके अंदर एटीट्यूड और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसे ही आपने अपने आप को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे लेके जाना है, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहना है। और हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो, गैस हो सकती है थोड़ी सी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा वर्क चल रहा है, आपको डिस्टर्बेंस होगी। तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगी, आपने वॉक भी करनी है, आपने बैलेंस डाइट भी करनी है, पानी सिप सिप करके पीना है, डिटॉक्स लेने हैं और होममेड टी लेनी है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो चुका है और मैं अपना ले लेती हूँ और इसे मैं सिप सिप करके पीऊँगी और मैं दिखा देती हूँ आपको साथ साथ में मैं अपने जो ब्रेकफास्ट है उसकी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये जो वेजिटेरियन है उनके लिए नहीं है, क्योंकि आज मैं ऑमलेट ले रही हूँ और ये ऑमलेट मैं खाली ऑमलेट नहीं ले रही कि सिर्फ एक, और आपने एक अंडे का ही ऑमलेट लेना है अगर आप ऑमलेट लेते हो, ये नहीं करना दो तीन एग्स का ऑमलेट लेना है। और उसके अंदर मैं, क्योंकि वीडियो शूट करने का फ्रेंड्स मेरे पास टाइम बहुत कम है, साथ में आप देख सकते हो ओट्स, मैं ओट्स को थोड़ा सा ओट्स लूंगी इसके अंदर, थोड़े एक मैं एग लूंगी अच्छी तरह से फेंट के, फिर मैं उसका ऑमलेट तैयार करूंगी। उस ऑमलेट को भी मैं बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कट करके मैं अच्छी तरह से चबा चबा के खाऊंगी। आपने कभी भी अपने जो ब्रेकफास्ट होता है या कोई भी मील होता है उसके साथ चाय बिल्कुल नहीं पीनी, चाय आपके खाने को स्लो पॉइजन के रूप में अंदर लेके जाती है। तो ये आदत अगर आपकी है कि आप किसी भी मील के साथ आप चाय, कॉफ़ी या कुछ भी चीज़ इंटेक करते हो, यहाँ तक कि पानी भी इंटेक करते हो, तो आपकी बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है। इसकी मैं रेसिपी कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं तो करूँगी। बहुत इजी होता है कि बारीक बारीक अनियंस कट कर लीजिए, आप उसके अंदर वेजिटेबल्स अगर डालना चाहो डाल सकते हो, अपनी थोड़ा सा एक चम्मच आपने रोस्ट किया हुआ, ड्राई रोस्ट किया हुआ ओट्स डाल दीजिए, एक अंडा डाल दीजिए, फेंट दीजिए और बन जाएगा, बहुत टेस्टी। ट्राई करके फ्रेंड्स जरूर देखना। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो अपना चीला ले सकते हैं, वेजिटेबल चीला, बहुत सारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से चॉप कीजिए, उसके अंदर एक चम्मच आप या तो बेसन का चीला बना सकते हो, ओट्स का चीला बना सकते हो, या फिर आप सूजी का चीला बना सकते हो, दालों का बना सकते हो। ये चीज़ें आपने देखनी है कि आपने अपने ऊपर वर्क कैसे करना। और एक बहुत जरूरी बात,
मैं अपने ब्रेकफास्ट में सॉल्ट नहीं लूंगी, मैं ये बनाऊंगी जरूर। इसके अंदर मैं और स्पाइसेस डालूंगी, फैट कटर मसाला भी डालूंगी और चीजें डालूंगी, लेकिन इसके अंदर मैं सॉल्ट नहीं डालूंगी। यही चीजें आपने करनी है फ्रेंड्स। आगे भी मैं पूरा दिन का आपको बताऊंगी कि हमारा आज 40 डेज का सेकेंड डे है और मैंने क्या क्या खाया और क्या क्या नहीं खाया। और फ्रेंड्स, आपने अपनी जो मॉर्निंग टी लेनी है उसमें आपने अपनी कोई भी टी आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास ऑप्शन हो, और साथ में आप अपने भिगोए हुए बादाम या फिर अपने भिगोए हुए चने, वॉलनट्स वगैरह ले सकते हो। तो जिसे प्रॉब्लम है कि थोड़ा ब्लड उनमें कम है, वो अपने किशमिश भी ले सकते। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग में मैंने अपना ओट्स का और एक एग का ऑमलेट लिया था, और उसके बाद मैं ये 12:30 अपने सैलेड ले रही हूँ। सैलेड आपने बहुत अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है, और इसके मैं सीड्स नहीं लूंगी टमाटो के। और फ्रेंड्स, इसे भी आपने 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है। कई बार ऐसा होता है कि खाने के बाद भी हमें भूख नहीं लगती। और फ्रेंड्स, आपने पूरा दिन में ऐसे 4 से 5 डिटॉक्स वाटर जरूर लेने हैं। बिल्कुल भी आपने ये नहीं करना कि प्यास नहीं लग रही, प्यास कभी भी नहीं लगती है। और साथ साथ में मैं अपना लंच भी रेडी कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, अभी तो मैं इतने डिटॉक्स वाटर नहीं पीती। जब मैं वेट लॉस जर्नी पे थी तब मैं इसको सीरियसली बताऊँ फ्रेंड्स, 5 गिलास तो आप पिया कीजिए बिफोर डिनर, और डिनर आपने जल्दी कर लेना है अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए। तो अब मैं अपने जो अपने लंच की तैयारी कर रही हूँ, आप देख सकते हो, और मेरा वही स्टाइल है। मैं 2 मिनट में सब्जी बना लेती हूँ, पर मैं भूनती बहुत अच्छी तरह से हूँ ऐसे, ताकि इसका टेस्ट और अच्छी तरह आए। अब मैं जल्दी से अपना डिटॉक्स वाटर ले लेती हूँ, और साथ साथ में मेरा लंच भी रेडी हो जाता है। और जो मैं डिनर लूँगी बिल्कुल हल्का लूँगी, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट भी हैवी हुआ है और मेरा लंच भी हैवी हुआ है। तो ब्रेकफास्ट और लंच आप नॉर्मल कर सकते हो, पर आपने डिनर बिल्कुल सॉल्ट फ्री करना है फ्रेंड्स, और बिल्कुल हल्का, कभी वेजिटेबल सोटे करके, कभी आपने अपना कुछ भी डोसा ले सकते हो, प्लेन डोसा ले सकते हो, या फिर आप सूप ज़्यादा प्रेफर कीजिए। और फ्रेंड्स, लंच आपने 2 या 2:30 तक कर लेना है। और मेरी आलू मटर की सब्जी, और मुझे देसी घी के बिना सब्जी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मैं दाल हो या कोई भी चीज़ हो, मैं देसी घी जरूर डालती हूँ। तो देसी घी गुड फैट में आता है, ये मतलब वैसे नहीं होता, बटर वगैरह हमारा बैड फैट में आता है। तो इसलिए 1 चम्मच आप देसी घी ले सकते हो। साथ में 1 रोटी ली है, और इसको भी मैं बिल्कुल छोटे छोटे बाइट्स में, इतने से खाने को मैं फ्रेंड्स 25 से 30 मिनट तक तो बहुत अच्छी तरह से चबा चबा के खाती हूँ। मैंने अब रियलाइज़ किया है कि हमें कच्चा सैलेड साथ में नहीं खाना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं इवनिंग में अपने 4 या 4:30 के आसपास, आप कोई ना कोई होममेड टी या फिर ग्रीन टी लेना चाहते हो या बुलेट कॉफ़ी लेना चाहते हो ले सकते हो। मैं मिल्क वाली कॉफ़ी ले रही हूँ, इसमें शुगर नहीं डाला है। साथ में मैंने रोस्ट किए हुए पीनट्स और थोड़े से मैंने मखाने और पीनट्स भी इतने ही लेने हैं, इन्हें भी हमने ज़्यादा एक्सेस में नहीं लेना। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसकी और रेसिपी है जो मीठे वाली, वो भी ट्राई करके देख सकते हो। आज मैं अपने डिनर में सूप ले रही हूँ, आप देख सकते हो, और बेस्ट होता है आपको अगर अपना अच्छा खासा वेट लूज़ करना है तो ज़रूर आप अपने डिनर को हल्का ही कीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप पम्पकिन सूप, मिक्स वेजिटेबल सूप, टमाटो सूप, कोई भी अगर आपको आता है उसको अपने घर पे ही रेडी करके आप ले सकते हो। और आज मैं थोड़ा सा बिजी थी, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का जब भी सूप बनाऊँगी आपके सबके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। आप मेरी ड्रिंक देख सकते हो, मैंने कहाँ रखी हुई है, ये मेरी नाइट ड्रिंक है। और बारिश की वजह से आज मेरी वॉक पॉसिबल नहीं हो पाई है। तो फ्रेंड्स, ये हर किसी के साथ होता है कि जब भी हम शिद्दत से कुछ करना चाहे, और आज 11th of Jan ही है, हमारा सेकेंड डे है, पर वॉक पॉसिबल नहीं हुई, तो मैं घर में वॉक करूँगी, पर मैं अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करूँगी। क्योंकि आज थोड़ा सा वर्क की वजह से मैं अपनी वॉक मतलब ज़्यादा नहीं कर पाई, तो मॉर्निंग में तो बिना फ़ोन के थी, तो ऑलमोस्ट मेरी वैसे अगर देखा जाए तो 20,000 स्टेप्स मेरे हो चुके हैं, पर अगर फ़ोन से देखा जाए तो फ़ोन में मेरे 20,000 नहीं हुए हैं। तो इसलिए मैं अपनी बाकी की वॉक कर लेती हूँ। और नाइट ड्रिंक, कभी भी आपने नाइट ड्रिंक सोने से 10-15 मिनट पहले नहीं पीनी, हमेशा गैप दिया कीजिए। खाने में भी गैप देना है, तो खाने में जैसे कई लोगों का अभी खाना बन रहा है,
तो इतनी लेट खाना नहीं खाना, आपने 6-7 बजे तक अपना डिनर ले लेना, कोशिश कीजिए सॉल्ट फ्री। तो आज भी हमारा सेकेंड डे भी कम्प्लीट हुआ और आगे भी मैं आप लोगों के साथ 40 डेज ऐसे ही अपनी जर्नी शेयर करूँगी। मुझे वेट लॉस की ज़रूरत नहीं है, पर आप लोगों को ज़रूरत है, आप लोगों के लिए ही मैंने ये 40 डेज की जर्नी स्टार्ट की है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब भी किया कीजिए और स्टीम बात लेके ज़रूर सोना है। ये मत सोचिए कि ठंड हो रही है, जितना हम सोचते हैं उतनी ठंड लगती है। और नहा के सोने से हमारा फैट बर्न होता है, हमारे इंचेस लूज होते हैं, तो नहा के ज़रूर देखा कीजिए। और मॉर्निंग में ऑयल पुलिंग ज़रूर करनी है, अमेजिंग स्किन बेनिफिट्स फ्रेंड्स आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये 40 डेज की जर्नी कैसी लग रही है, और भी किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो लेट मी नो, ताकि मैं उसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ वीडियो ला सकूं। और फ्रेंड्स मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, मैंने जो अपना 10,000 का लिया हुआ था कि मुझे अपने 10,000 अपने स्टेप्स कंप्लीट करने हैं सोने से पहले, वैसे मेरे मॉर्निंग में भी हो गए थे लेकिन वो फ़ोन में नहीं हुए थे, लेकिन फ़ोन में जब तक वो मुझे दिख नहीं जाता ना 10,000 कंप्लीट, तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। तो इसलिए ये मत सोचा कीजिए कि बाहर वॉक नहीं कर सकते, बाहर ये है, बाहर बहाने, बहाने मत दीजिए खुद को। इसलिए चाहे घर छोटा हो बड़ा हो, वॉक तो आप कर ही सकते हो। तो इसलिए आपने अपनी वॉक कंटिन्यू रखनी है, अपनी वॉक अच्छे से करनी है, बाहर बारिश हो चाहे जो मर्जी हो, चाहे छाता लेके अपनी वॉक कीजिए। ठंड है, ठंड थोड़ी देर लगती है, जैसे जैसे हम वॉक करनी स्टार्ट करते हैं तो हमें ठंड लगनी भी बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा सेकंड डे भी कंप्लीट हुआ, ऐसे ही हम अपने 40 डेज अपने इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट्स और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और प्यारा प्यारा अपने कमेंट कीजिए और लाइक और शेयर जरूर बनता है। उन लोगों तक जरूर मेरा वीडियो पहुँचाया कीजिए जो बिना जिम के, बिना एक्सरसाइज के, बिना घर का चटपटा खाना खुना छोड़ के। अभी तो मैं ज़्यादा चटपटा आप लोगों को ऑप्शन इसलिए नहीं दे रही क्योंकि आपने फैट बर्न करना है। धीरे धीरे मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग और भी ऑप्शन दूंगी जिससे आपकी क्रेविंग भी दूर हो। तो फ्रेंड्स लोहड़ी आ रही है 2 दिन बाद, तो लोहड़ी में बाहर की जो गच्चक होती है और जो हमारी रेवड़ी वगैरह होती है वो मत खाना, उनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपका रेवड़ी वगैरह खाने का दिल करता है, मुरमुरे और उनकी मखाने की मैंने आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर की हुई है, गुड़ वाले मखाने अमेजिंग लगते हैं और उनमें कैलोरीज 60-70 कैलोरीज एक पूरे बाउल में, जिसको आप अच्छी तरह से मन भर के भी खा सकते हो, उसमें मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स हेल्दी रहिए, खुश रहिए, फिट रहिए। गुड नाइट टू ऑल।